और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर। शाइस्ता की तलाश जारी है, यूपी एसटीएफ कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। प्रयागराज कौशाम्बी के कई इलाकों में रेड की जानकारी मिल रही है। रमेश पाल हत्याकांड की बात से लगातार फरार है शाइस्ता परवीन और जो एसटीएफ की कई टीम्स हैं जगह जगह पर छापे मार रही है। इस पूरे मामले में शाइस्ता की तलाश तेज। इस बीच खबर ऐसी भी आई थी कि 50,000 का जो इनाम है उसको बढ़ाकर 1,00,000 किया जा सकता है। और इस बीच लगातार शाइस्ता की तलाश में छापेमारी का सिलसिला जारी है। यूपी एसटीएफ की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। कई पुराने वीडियोज भी सामने आए हैं लेकिन माना यह जा रहा है कि अभी भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और अगली खबर में उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। आपको बताएं गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छिपे होने की आशंका है। ओडिशा के एक शख्स ने पूछताछ में लोकेशन को बताया है, रिवील किया है कि ये लोकेशन सामने आ रही है। यूपीएसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम को लेकर पूछताछ की थी। गुड्डू मुस्लिम जो की लगातार हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है, ओडिशा के पुरी में उसके छिपे होने की बात सामने आई थी और ओडिशा में ही लोगों से पूछताछ की गई है और पता चला है कि अब छत्तीसगढ़ में उसकी आखिरी लोकेशन रही है। गुड्डू मुस्लिम उन शूटर्स में शामिल और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये लगातार बम फेंकता हुआ नजर आया था गुड्डू मुस्लिम। कई शूटर ढेर किए जा चुके हैं लेकिन गुड्डू मुस्लिम हाथ नहीं आ रहा है। खबर आ रही है कि वो छत्तीसगढ़ में छिपा हो सकता है। गुड्डू मुस्लिम लगातार उसकी तलाश में लगी हुई है यूपीएसटीएफ की टीम लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड के दौरान लगातार बम फेंकता हुआ नजर आया। अतीक अहमद का खास गुर्गा है गुड्डू मुस्लिम जो फिलहाल फरार चल रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में उसकी तलाश की जा रही है। तो अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश तेज है। गुड्डू मुस्लिम कहां है उसका लोकेशन ट्रेस हुआ लेकिन छत्तीसगढ़ में जानकारी मिली है। जो लेटेस्ट लोकेशन उसका ट्रेस किया गया उसके अनुसार लोकेशन छत्तीसगढ़ है लेकिन इस तरीके से लगातार जानकारी मिल रही है। इस बीच शाइस्ता परवीन का जो के ऊपर जो इनामी राशि है उसको 50,000 से 1,00,000 किए जाने की भी जानकारी सामने आ रही है। शाइस्ता परवीन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। शाइस्ता की जमानत को लेकर याचिका दायर की जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की जाएगी। अग्रिम जमानत को लेकर दायर होगी ये याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज जमानत अर्जी को दायर किया जाएगा। शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और माना जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की जाएगी। आज ये याचिका दायर की जा सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर शाइस्ता परवीन जो अभी तक फरार है, जगह जगह उसकी तलाश में एसटीएफ की टीम छापेमारी कर रही है लेकिन कानूनी तरीके से बचने की कोशिश। शाइस्ता परवीन जो कि ना तो अपने बेटे असद के मरने पर आई और ना ही अपने पति अतीक अहमद और देवर अशरफ के मरने पर उनकी मैयत में आई थी।